तो बेटा मैं आपको बता रही थी कि जो HNO2 है वो डिस्प्रोपोर्शनेशन करेगा और HNO3 ONO में कन्वर्ट हो जाएगा। ये रिएक्शन भी कंप्लीट करने आ सकते बेटा आप लोगों को, ठीक है। सो HNO2 एक्ट एज बोथ एज ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी की तरह एक्ट कर सकता है और रिड्यूसिंग एजेंट की तरह भी एक्ट कर सकता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब क्या होते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दूसरों का ऑक्सीडेशन करेंगे। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का जब ये काम करेगा तो खुद ये कन्वर्ट हो जाएगा किस में, NO में, नाइट्रिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। और जब ये रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा तो HNO2 कन्वर्ट हो जाएगा HNO3 में। HNO2 एक्ट एज बोथ ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट बट HNO3 एक्ट एज ओनली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वाई? ये क्वेश्चन आएगा आपके। हमें HNO, वैसे हालांकि देखो HNO2 की हमारी डिटेल स्टडी नहीं है, हमारे सिलेबस में सिर्फ HNO3 की डिटेल स्टडी है, इसलिए हम इसकी वो रिएक्शन नहीं कर रहे जिसमें ये ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा। बट आपको अगर कभी वह दिखाई दे जाए तो अगर HNO2 HNO3 में कन्वर्ट हुआ है तो ये सिर्फ किसका काम कर रहा है, वहाँ पर खुद हो रहा है ऑक्सीडाइज एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। एंड इन दोज रिएक्शन इन विच HNO2 कन्वर्ट इनटू NO इट सेल्फ अंडरगो रिडक्शन, इट मीन इट ऑक्सीडाइज, इट एक्ट एज रिड्यूसिंग, खुद हुआ रिड्यूस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा, ठीक है। तो हम इस स्टडी करना है HNO3 को, मतलब मैं आपको ये बताना चाह रही थी कि HNO2 जो है वो अनस्टेबल एसिड है, नाइट्रस एसिड जो है वो अनस्टेबल एसिड है। अनस्टेबल होने की वजह से इनसीटू ही इसको प्रिपेयर किया जाता है लैब में। अच्छा, और थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन इसके बारे में बता देती हूँ मैं। अब ये मोनोबेसिक एसिड है बेटा HNO2, तो HNO2 क्या करेगा अगर ये किसी भी बेस के साथ रिएक्शन करता है, जैसे अन्य OH के साथ रिएक्शन करेगा तो ये अन्य NO2 बना लेगा, अन्य NO2 प्लस H2O बना लेगा, ठीक है ना, सोडियम नाइट्राइड बना लेगा प्लस वाटर बन जाएगा, ये हो जाएगी एसिड बेस रिएक्शन। क्लियर हुआ? अन्य NO2 प्लस H2O बना लेगा। उसके बाद हमें HNO3 को स्टडी करना है। HNO3 में सबसे पहले हम HNO3 में नाइट्रोजन के हाइब्रिडाइजेशन स्टेट देख लेते हैं। तो HNO3 जो है स्ट्रक्चर बना लेते हैं HNO3 का, ये है, यहाँ पर एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना हुआ है, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना हुआ है, ये HNO3। नाइट्रोजन की जो हाइब्रिडाइजेशन स्टेट है वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट है और ट्रायंगुलर प्लेनर। ट्रायंगुलर प्लेनर ज्योमेट्री सेप और ज्योमेट्री ट्रायंगुलर प्लेनर है। अगर नाइट्रेट आयन का हमें ज्योमेट्री स्ट्रक्चर देखना हो तो H पॉजिटिव आयन को हटा दो तो क्या बच जाएगा, नाइट्रेट आयन बच जाएगा। तो जो नाइट्रेट आयन होगा ये बच जाएगा नाइट्रेट आयन, ठीक है। तो नाइट्रेट आयन में भी नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या होगी, sp2, और ये भी कैसी होगी, प्लेनर, sp2 हाइब्रिडाइजेशन ट्रायंगुलर प्लेनर ज्योमेट्री और सेप इसकी होगी, ठीक है। हमारे पास क्या होता है, इसके 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनते हैं, ऑल NO बॉन्ड आर इक्वल, सभी NO बॉन्ड जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनते हैं। एक बार नेगेटिव चार्ज यहाँ जाता है, डबल बॉन्ड यहाँ जाता है, नेक्स्ट केस में यह आ जाएगा, तो ट्रायंगुलर प्लेनर है। अब HNO3 भी मोनोबेसिक एसिड है, HNO3 भी जो है वो मोनोबेसिक एसिड है, तो मतलब यानी कि क्या करता है ये, जैसे कि हमारे पास अन्य OH के साथ अगर हम इसकी रिएक्शन करवा दें तो ये क्या बनाएगा, अन्य NO3 प्लस H2O बनाएगा, एक ही फॉर्मूले के सोल्ट बनाएगा। जो मोनोबेसिक एसिड है यानी कि आयनाइज होके किस में कन्वर्ट होगा, HNO3 आयनाइज होके H पॉजिटिव प्लस NO3 नेगेटिव आयन नाइट्रेट आयन बनाएगा,
और ये नाइट्रेट आयन फिर क्या करेगा, किसी भी कटायन के साथ रिएक्शन करके मेटल नाइट्रेट बनाएगा, ठीक है। तो मोनोबेसिक एसिड है और स्ट्रोंग बेसिक है, स्ट्रोंगली एसिडिक है, कम्प्लीटली आयनाइज होता है, आप लोगों को इसका पता है। अब हमें इसकी जो इम्पोर्टेंट जो रिएक्शन करनी है ना नाइट्रिक एसिड की, वो है इसकी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी। स्ट्रोंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है HNO3 जो है वो बेटा, ये एक बहुत ही स्ट्रोंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, स्ट्रोंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। माइल्ड डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड दोनों ही फॉर्म में ये स्ट्रोंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, डाइल्यूट फॉर्म में भी और कंसंट्रेटेड फॉर्म में भी स्ट्रोंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो HNO3 क्या करता है, एसिड का काम भी करता है और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम भी करता है। तो जो इम्पोर्टेंट है ना HNO3 में, वो है इसकी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी, बोथ इन कंसंट्रेटेड एंड इन डाइल्यूट फॉर्म। कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट दोनों ही फॉर्म में इसकी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी। अब आपको क्या बात याद रखनी है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करते हैं, मीडियम में नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, मीडियम में नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज करेंगे, वो ऑक्सीजन दूसरे सब्सटेंस के अंदर जाएगी और उनका ऑक्सीडेशन कर देगी, ठीक है। HNO3 भी जो HNO3 जो है कंसंट्रेटेड, कंसंट्रेटेड HNO3 खुद कन्वर्ट हो जाएगा NO2 में, प्लस वाटर, प्लस रिलीज करेगा नेसेंट ऑक्सीजन, नेसेंट ऑक्सीजन एटम रिलीज करता है, ठीक है। इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर मैं दो लगा देती हूँ, वाटर को बैलेंस करने के लिए ये टू लगा दिया, यहाँ पर भी टू लगा दिया। कंसंट्रेटेड HNO3 खुद तो कन्वर्ट हो जाएगा किस में, NO2 में, यानी कि प्लस फाइव ऑक्सीडेशन स्टेट से प्लस फोर में चला गया, रिड्यूस हो गया खुद, प्लस फाइव से प्लस फोर रिड्यूस हो गया, साथ में रिलीज कर दी नेसेंट ऑक्सीजन। ये बैलेंस है, ये आपको याद रखनी है। तो कंसंट्रेटेड HNO3 कौन सी गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में, ब्राउन कलर की गैस है बेटा ये, ये ब्राउन गैस निकलेगी, ठीक है। नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज करेगा, दो मॉलिक्यूल एक नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज कर रहे, बैलेंस है ये, चार और एक पांच और एक छह ऑक्सीजन, छह यहाँ पर है, दो नाइट्रोजन, इस तरह से ये बैलेंस है, ठीक है। अब ये नेसेंट ऑक्सीजन क्या करती है, दूसरे सब्सटेंस का, क्योंकि नेसेंट ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होती है, क्योंकि इसके बैलेंस सेल में छः इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसको तुरंत ही क्या करना होता है, किसी दूसरे कंपाउंड के अंदर जाके एंटर करना होता है, ऐड हो जाना है। तो नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज करेगा, ये नेसेंट ऑक्सीजन दूसरे सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन करेगी। कंसंट्रेटेड फॉर्म में आपको ये रिएक्शन याद रखनी है, ये है सिर्फ रिडक्शन हाफ रिएक्शन, रिडक्शन हो रहा है ना HNO3 का, तो ये तो रिडक्शन हाफ रिएक्शन है, रिडक्शन हाफ रिएक्शन की इक्वेशन है। अब कोई भी सब्सटेंस हमने डाल रखा है जिसका हमें ऑक्सीडेशन करवाना है, कोई भी वो सब्सटेंस जिसका हमें ऑक्सीडेशन करवाना है, उसके अंदर ये ऑक्सीजन जाएगी और उसका ऑक्सीडेशन करेगी, हम बाद में लेंगे। अच्छा, ये तो है कंसंट्रेटेड डाइल्यूट HNO3, अगर HNO3 डाइल्यूट हो, डाइल्यूट भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, अगर HNO3 डाइल्यूट होगी तो नाइट्रिक ऑक्साइड बनेगा, कौन सी गैस निकलेगी, नाइट्रिक ऑक्साइड निकलेगी, प्लस H2O प्लस नेसेंट ऑक्सीजन। अभी मैं कारण बताती हूँ क्या क्यों हुआ यहाँ पर ऐसे, नाइट्रिक ऑक्साइड बनेगा, डाइल्यूट HNO3 नाइट्रिक ऑक्साइड बनाएगी, H2O नेसेंट ऑक्सीजन। इसको बैलेंस करने के लिए फिर से दो लगा देती हूँ मैं, यहाँ पर भी दो लगा देते हैं, यहाँ पर है छः ऑक्सीजन, यहाँ पर है दो तीन, और यहाँ पर दो और एक तीन, तो यहाँ तीन लगा देती हूँ मैं इसके आगे, तीन नेसेंट ऑक्सीजन के लिए कितनी रिलीज होंगी, थ्री होंगी, बैलेंस होगी ना, तीन और ये एक, ये होगी चार और दो, ये हो गई छः हो गई, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है, डाइल्यूट HNO3 ऑक्सीडाइज होके कौन सी गैस देगा, नाइट्रिक ऑक्साइड, H2O, थ्री नेसेंट ऑक्सीजन। इसका कारण देखो अब तुम, ऐसा क्यों हुआ, कंसंट्रेटेड HNO3 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस बनाई, जबकि डाइल्यूट HNO3 जो है वो नाइट्रिक ऑक्साइड क्यों बना रही है, इसका कारण देखो, ये डाइल्यूट है बेटा, तो डाइल्यूट है इसका मतलब यहाँ पर वाटर प्रेजेंट है, रिएक्शन तो यही हुई थी, बना तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ही था। मैं इसका तुम्हें बच्चों तुम्हें कारण बताना चाह रही हूँ कि डाइल्यूट HNO3 नाइट्रिक ऑक्साइड में क्यों कन्वर्ट हुआ, ठीक है। देखो हम ये मान के चलेंगे कि ऊपर वाली रिएक्शन ही हुई थी, रिएक्शन क्या हुई थी, ऊपर वाली ही हुई थी
HNO3, बट वहाँ पर डाइल्यूट था ना, वाटर था साथ में, तो ये रिएक्शन हम एक्सपेक्ट करेंगे कि यही हुई थी रिएक्शन तो। लेकिन बेटा डाइल्यूट था, डाइल्यूट था तो NO2 को वाटर मिल गया, डाइल्यूट का मतलब बहुत सारा पानी पड़ा हुआ है इसमें, तो NO2 को वाटर मिल गया। अब NO2 वाटर के साथ रिएक्शन करके क्या बनाती है, दो ऑक्साइड, दो एसिड बनाती है, HNO3 और HNO2, दोनों तरह के एसिड बनाती है बच्चों। ये बात समझ में आ गई होगी तुम्हारे, ये बैलेंस होगी इक्वेशन, 5 3 और 2 5, ये इस तरह से हुई, ठीक है। ये जो NO2 बना, क्योंकि डाइल्यूट था तो वाटर पड़ा था, तो वाटर के साथ रिएक्शन करके इसने HNO3 और HNO2 दोनों बना दिए। अब HNO2 जो है, HNO2 आपको पता डिस्प्रोपोर्शनेशन करता है, HNO2 डिस्प्रोपोर्शनेशन करके कन्वर्ट हो जाता है HNO3 और नाइट्रिक ऑक्साइड में। तो अब तुम समझ रहे होगे कि NO क्यों बना, HNO2 जो बना था यहाँ पर वही डिस्प्रोपोर्शनेशन करके क्या हो जाएगा, NO में कन्वर्ट हो जाएगा। अब NO2 तो NO2 से कैंसिल आउट हो जाएगी, HNO2 HNO2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, HNO3 HNO3 से कुछ कैंसिल आउट होगा। ये पूरी सारी इक्वेशन इंडिविजुअली बैलेंस नहीं है, लेकिन तब जब तुम इनको बैलेंस करोगे तो इधर कौन सा क्या बचेगा, वाटर, नेसेंट ऑक्सीजन और नाइट्रिक ऑक्साइड ही बचेगा। मतलब इस रिएक्शन के होने का कारण ये है, डाइल्यूट था तो NO2 को वाटर मिल गया, जिसकी वजह से HNO3 और HNO2 बन गया, HNO2 डिस्प्रोपोर्शनेशन कर गया और HNO3 और NO बनाया नाइट्रिक ऑक्साइड। आगे बात समझ में, तो ये दो रिएक्शन जो है बेटा, ये आपको याद रखनी है, कितनी ऑक्सीजन एटम रिलीज करता है एक मोलिक्यूल या कितने इलेक्ट्रॉन का गेन करता है, ये डिसाइड नहीं करता कि कौन से मीडियम में स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। अब तुम ये देख रहे होगे कि कंसंट्रेटेड HNO3 ने के तो दो मॉलिक्यूल ने एक ऑक्सीजन रिलीज की है, जब दो मॉलिक्यूल एक ऑक्सीजन रिलीज करते हैं तो क्या करेंगे, दो इलेक्ट्रॉन लेंगे, लेकिन डाइल्यूट ने तीन ऑक्सीजन रिलीज किए हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर तीन ज़्यादा ऑक्सीजन रिलीज हो रही है तो ये पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वो बेटा इनकी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल डिसाइड करती हैं। तो कंसंट्रेटेड HNO3 की ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा होती है, डाइल्यूट HNO3 की ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कम होती है। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की ज़्यादा होगी, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का मतलब ऑक्सीडाइज होने की पावर है ना, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑक्सीडाइज होने की पावर। तो रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू आप ये कह सकते हो, ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू डिसाइड करती हैं, न कि नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। तो ये ज़्यादा कंसंट्रेटेड फॉर्म में इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल है, रिडक्शन पोटेंशियल का मतलब रिड्यूस होने की पोटेंशियल ज़्यादा रहेगी, खुद ज़्यादा रिड्यूस होने चाहेगा तभी तो दूसरों को आसानी से ऑक्सीडाइज कर पाएगा। तो रिडक्शन पोटेंशियल इसकी हाई है और इसकी लो है, एग्जैक्ट वैल्यू अभी मेरे पास नहीं है। तो बच्चों अब हम करेंगे रिएक्शन, सबसे पहले हम ले लेते हैं ये जो कंसंट्रेट HNO3 जो है, ये मेटल्स को, नॉन मेटल को, कंपाउंड को, मेटेलॉइड को, सभी को ऑक्सीडाइज कर सकता है, तो क्योंकि ये पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो सबसे पहले हम अलग अलग टाइप बनाएंगे, सबसे पहले हम लेंगे नॉन मेटल, ऑक्सीडेशन ऑफ नॉन मेटल्स और मेटेलॉइड का ऑक्सीडेशन। आपको पता है नॉन मेटल ऑक्सीडेशन के लिए लेस रिएक्टिव होती हैं, मेटल तो ऑक्सीडाइज हो ही होना चाहती हैं, मेटल की तो प्रवृत्ति ऑक्सीडाइज होने की, तो वो तो क्या करती हैं, इवन वीक से वीक, माइल्ड से माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से भी ऑक्सीडाइज हो जाती हैं, बट नॉन मेटल ऑक्सीडाइज नहीं होना चाहती, क्योंकि नॉन मेटल्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, उनकी खुद की रिड्यूस होने की टेंडेंसी ज़्यादा होती है। तो ऑक्सीडेशन के लिए नॉन मेटल और मेटेलॉइड जो होती है वो लेस रिएक्टिव होती है बच्चों, लेकिन HNO3 नॉन मेटल और मेटेलॉइड को भी ऑक्सीडाइज कर देता है। अच्छा अब आपको एक बात याद रखनी पड़ेगी, जो नॉन मेटल होंगी वो सिर्फ कंसंट्रेटेड HNO3 से ही ऑक्सीडाइज हो पाएंगी, सिर्फ कंसंट्रेटेड HNO3 ही, क्योंकि ये ज़्यादा पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसकी रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू ज़्यादा हाई है। तो क्या करेगा, सिर्फ कंसंट्रेटेड HNO3 ही नॉन मेटल का ऑक्सीडाइज कर पाएगा,
इसीलिए नॉन मेटल की रिएक्शन हम कंसेंट्रेटेड HNO3 के साथ ही लेंगे। डाइल्यूट HNO3 नॉन मेटल को ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता। तो सबसे पहले हम लेंगे ऑक्सीडेशन ऑफ नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स और मेटेलॉइड भी कह लो, जैसे कि अर्सेनिक एंटीमनी जो मेटेलॉइड है वो सिर्फ किसके साथ रिएक्शन करेंगे, ये कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ रिएक्शन करेंगे बेटा। अच्छा, आपको अब एक बात याद रखनी है, जब भी नॉन मेटल या मेटेलॉइड ऑक्सीडाइज होगा तो अपने सबसे स्टेबल ऑक्सो एसिड में कन्वर्ट होगा। जो नॉन मेटल है और मेटेलॉइड है, ये ऑक्सीडाइज होके, ये ऑक्सीडाइज होगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अपने ऑक्सो एसिड में, अपने अपने स्टेबल ऑक्सो एसिड में कन्वर्ट होगा। किस सब्सटेंस की ऑक्सीडाइज्ड और रिड्यूस्ड फॉर्म क्या होगी, ये फिक्स होती है और ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट टू ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वेरी नहीं करेगी ये बात। मैं क्या कहना चाह रही हूँ, हर सब्सटेंस की ऑक्सीडाइज्ड और रिड्यूस्ड फॉर्म फिक्स होती है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के ऊपर डिपेंड नहीं करती कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ये इसमें ऑक्सीडाइज हो जाएगा और ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ये इसमें ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो मैंने आपको ये बताया कि जब भी कोई नॉन मेटल या मेटेलॉइड ऑक्सीडाइज होगा, चाहे किसी भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से ऑक्सीडाइज हो, वो अपने ऑक्सो एसिड में कन्वर्ट होगा। अब जैसे कि कार्बन, कार्बन का ऑक्सो एसिड है H2CO3, तो कार्बन जब भी ऑक्सीडाइज होगी किस में कन्वर्ट होगी, H2CO3 में। सल्फर का ऑक्सो एसिड H2SO4, सल्फर जब भी ऑक्सीडाइज होगा H2SO4 में। फॉस्फोरस जब भी ऑक्सीडाइज होगा H3PO4 में। आयोडीन ऑक्सीडाइज होगा तो HIO3 में, ठीक है। आर्सेनिक ऑक्सीडाइज होगा तो H3ASO4 में। फॉस्फोरस 15 ही ग्रुप का मेंबर है, अर्सेनिक नाइट्रोजन फॉस्फोरस अर्सेनिक एंटीमनी, तो फॉस्फोरस H3PO4 में कन्वर्ट हो रहा है तो अर्सेनिक H3ASO4 में। एंटीमनी मेटेलॉइड जो होगा ये भी ऑक्सीडाइज होगा तो H3SbO4 में, ठीक है। ये बातें आपको याद रखनी है। तो कार्बन के साथ, सल्फर के साथ, फॉस्फोरस, आयोडीन, अर्सेनिक, एंटीमनी के साथ अभी हम लेंगे कंसंट्रेटेड HNO3 की रिएक्शन। सबसे पहले हमें क्या लिखनी है, पहले हमें लिखनी है रिडक्शन हाफ इक्वेशन लिखनी है सबसे पहले। तो कंसंट्रेटेड HNO3 की जो रिडक्शन हाफ इक्वेशन है वो आपको याद रखनी है। HNO3 कंसंट्रेटेड है, कंसंट्रेटेड ही ऑक्सीडाइज कर पाएगा। दो HNO3 के मॉलिक्यूल किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, 2NO2 plus H2O plus nascent oxygen। समझ में आ गई। अब जैसे हमने ले लिया कार्बन, कार्बन लिया, ये जो ऑक्सीजन यहाँ रिलीज हुई ये प्लस वाटर, क्या बना दोगे, H2CO3 कार्बोनिक एसिड। देखो बैलेंस है क्या ये रिएक्शन, ये ऊपर वाली रिएक्शन अपने आप में बैलेंस है। ये है रिडक्शन हाफ इक्वेशन, ये ऑक्सीडेशन हाफ इक्वेशन, ये बैलेंस नहीं है। यहाँ पर ऑक्सीजन है 3, यहाँ पर ऑक्सीजन है 2, तो इसके आगे मैं 2 लगा दूं, 2 और 1 3, ठीक है, 2 हाइड्रोजन। अब ये बैलेंस हो चुकी है अपने आप में, अब ये बैलेंस हो गई तो इनको हमें जोड़ना है, इन दोनों इक्वेशन को। इन दोनों इक्वेशन को जोड़ने से पहले यहाँ नेसेंट ऑक्सीजन 2 है और यहाँ नेसेंट ऑक्सीजन क्या है, 1 है, तो इनको इक्वल करने के लिए क्या करोगे, इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करोगे। इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 4 HNO3। पूरी इक्वेशन को ही मल्टीप्लाई करेगा ना, करोगे ना, 4 HNO3, ये 2 हो जाएगा, 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, या वाटर भी 2 बन गया, वाटर कितना बन गया, 2, तो 2 वाटर से 1 वाटर कैंसिल आउट हो जाएगा,
यहाँ एक कार्बन, यहाँ ये वाटर एक इस वाटर से कैंसिल आउट हो जाएगा, एक रह जाएगा, इधर ख़त्म हो गया, इधर क्या बनेगा, एक तो H2CO3 बन जाएगा प्लस 4NO2 बन जाएगा प्लस एक वाटर बनेगा, ये रिएक्शन हो गई। तो H2CO3 प्लस NO2 H2O, देख रहे हो तुम, ये आ गई इसकी बैलेंस इक्वेशन। तो HNO3 कार्बन के साथ रिएक्शन करके क्या बना लेगा, H2CO3, HNO3 खुद रिड्यूस हो गया NO2 में, कार्बन चली गई अपनी प्लस 4 ऑक्सीडेशन स्टेट में, वाटर निकल गया। इसी तरह से बाकी के रिएक्शन आप खुद लिखोगे। अब जैसे हम उठा लेते हैं यहाँ पर, अगली ये फर्स्ट रिएक्शन कार्बन के साथ है, अगली रिएक्शन हमें सल्फर के साथ करवानी है, तो 2HNO3 2NO2 प्लस H2O प्लस नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज हुई, सल्फर S8 फॉर्म में रहता है, नेसेंट ऑक्सीजन प्लस H2O, क्या बनाना है, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड बनाना है। अब ये 8 है तो यहाँ पर भी क्या बनेगा, ये 8H2SO4 बनेगा, तो 8H2SO4 अब हमारे पास क्या हो जाएगा, ये 32, यहाँ पर भी हम 8 लगा देते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 24 नेसेंट ऑक्सीजन आइटम हो जाएंगे, नेसेंट ऑक्सीजन आइटम कितने हो जाएंगे, 24, तो इस इक्वेशन को भी 24 से मल्टीप्लाई कर लोगे, 24 से 24 कैंसिल आउट करने के लिए, ठीक है, कर लोगे ना ये इक्वेशन ओवरऑल, तो ओवरऑल इक्वेशन लिख लोगे ना, 24 ये कितना हो जाएगा, 48H2O3 हो जाएगा, ये भी 48NO2 हो जाएगा, ये 24H2O यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाएंगे, 8 16 बच जाएंगे, यस, क्या हो गया, 48HNO3 उधर क्या बन गया, 48NO2 24H2O और 24 नेसेंट ऑक्सीजन। पूरी इक्वेशन को 24 से मल्टीप्लाई करना पड़ा मुझे, क्योंकि नेसेंट ऑक्सीजन को नेसेंट ऑक्सीजन से कैंसिल आउट करना होता है, ठीक है क्या। तो इस तरह से अब क्या हुआ, यहाँ पर था S8, 24 नेसेंट ऑक्सीजन, 8H2O और इधर बन रहा था 8H2SO4, 24 नेसेंट से 24 नेसेंट कैंसिल आउट हो गई, 8 यहाँ पर कैंसिल आउट हो गई, ये कितने बच गए, 16। तो अब पूरी इक्वेशन लिख सकते हैं, 48HNO3 प्लस S8 उधर बन रहा है 48NO2 प्लस 16H2O प्लस 8H2SO4। अनम्यूट हो ना तुम, हेलो बेटा, प्रॉब्लम आ रही है क्या? यस मैम सुनाई दे रही है मेरी आवाज तुम्हें? यस मैम। अच्छा, अब ये बाकी के रिएक्शन कर लोगे तुम, कार्बन और सल्फर की जैसे मैंने बताई बच्चों, उसी तरह से बेटा पहली रिएक्शन लिख के, और फिर क्या करना है, अब जैसे तुम्हें लिखनी है फॉस्फोरस की, तो फॉस्फोरस P4 है, जो नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज होगी और जो वाटर साथ में वाटर होगा तो उससे क्या बन जाएगा, H3PO4। मैं सिर्फ ये दूसरी इक्वेशन लिख रही हूँ, लिख लोगे ना बाकी की, तो H3PO4 ये 4 बन जाएगा बेटा, समझ रहे हो मैं क्या करना चाह रही हूँ। तो ये बाकी तुम्हें खुद करनी है पूरी, फॉस्फोरस के साथ कंसनट्रेटेड HNO3 की रिएक्शन, ऊपर वाली सेम आएगी, जो कंसनट्रेटेड HNO3 के दो मॉलिक्यूल NO और NO2 हो जाएंगे।